देयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन फॉर द सस्टेनेबल डिवेलमेंट इन यूके एंड केनिया अब हम बात कर रहे हैं डिवेल्पिंग और डिवेल्प कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं यूके और केनिया की और हमारी बात जो है वो है स्कूल कनेक्टिंग कनेक्टिंग स्कूल्स के बारे में ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर यूके ने किनिया के अंदर इसी की स्टैब्लिश करने के लिए जो मुख्त रिसोर्स और फंड्स उनको प्रोवाइड किए ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं इसके दौरान जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आया वो हमारा था कल्चर पैराडाइम कल्चर पैरामीटर हमने उसके ऊपर गुफ्तगू की और उसके अंदर हमने ये बात वाज हो गई कि ट्रेनर के असरा ट्रेनिंग पर आने हैं और ट्रेनिंग के असरा जो हैं वो बच्चों पर आने हैं अब जब ट्रेनी जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहा है यूके से जो यूके ट्रेनर है उससे हासिल कर रहा है उसका मोटिवेशन फैक्टर्स उसका अंदाज वो जो उसके कल्चर पैराडाइम्स हैं वो जो उसने लिए हैं उसके असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे उसका फ़ायदा क्या है एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हमारे कल्चर के ऊपर डेविशन हो रही है लेकिन दूसरी तरफ उसका फायदा ये है कि अगर ये थोड़ा है लेकिन मल्टी कल्चरल अप्रोच जो है वो एक डेवलप होना शुरू हो गया देखिए ये वन वे असरात नहीं होते एक्स कंट्री जो भी है हम किसी का नाम नहीं लेते वो डिवेल्प कंट्री है उसके एक अपने कल्चर पैराडाइम्स है वाई कंट्री डिवेल्पिंग कंट्री है उसके अपने कल्चर पैराडाइम्स है एक्स विजिट करता है वाई कंट्री को एक्स के असरात सिर्फ वाई पर नहीं आएंगे बल्कि एक्स ने जो टाइम स्पेंड किया है कंट्री में वाई के असरात बी एक्स पर आएंगे अगर चाहे ये एक लिमिटेड सा नॉलेज है कस्टम्स के बारे में या कल्चर्स पैराडाइम्स के बारे में लेकिन इसके एक असरात हैं दोनों पर असरात हैं ट्रेनर पर भी असरात हैं ट्रेनी पर भी असरात हैं और ये दोनों असरात अगर हम इसको कह दें कि ये थोड़े लेवल पे है लेकिन ये एक इब्तदा है मल्टी कल्चरल अप्रोच की जिसके अंदर डेवलप कंट्री जो है उसको डेवलपिंग कंट्री के लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी उनके कल्चर पैराडाइम्स को समझने में आसानी हो जाएगी उनकी चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी और इसके साथ साथ एक इंटर कल्चरल पैरामीटर जो है वो भी डेवलप हो जाएगा। अब जब हम यूनि एजुके और किनिया की बात करते हैं तो उसमें भी यही है कि जब आइडियाज शेयर होंगे फ्लो ऑफ आइडियाज़ आएगा हमारे पास मुख्तलिफ कल्चर ग्रुपों के साथ तो ट्रेनर जो था या यूं समझे जो डेवलप्ड कंट्री थे उनको डेवलपिंग कंट्री के जो कल्चर पैराडाइम्स हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई और जो ट्रेनी था उसका जो ट्रेनर था या जो समझते कि डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग थे उनको डिवेलप करती कल्चर पैराडाइम्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग करने में भी आसानी क्या हो गई अब उससे क्या होगा ये जो स्टू टाइप हमारे पास अनक्रिटिकल जो चीजें हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी और उसके अंदर एक डाइवर्सिटी आनी शुरू हो जाएगी और उस डायवर्सिटी के अंदर क्या होगा कि वहां पे जहाँ हम बात कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री की और हम बात कर रहे हैं कि उनके इश्यूज की और हमने कीनिया के की इश्यूज की बात भी की वहाँ पर डेवलप्ड कंट्री के ऊपर भी ये असरा मतलब होंगे कि जो हमारा डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर भी मल्टी आइडिया जनरेट होगा और वो वहाँ पे वहाँ पे प्रमोट होगा